जैसे एकनाथ शिंदे ने छीनी शिवसेना, अनिल पवार ने एनसीपी, वैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सपा हो जाएगी शिवपाल की। अखिलेश यादव और सपा के खिलाफ हो रहा है बहुत बड़ा साजिश। अब सुब्रत पाठक के हाथों कन्नौज से चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव। अमित शाह के इशारे पे सफाई में चल रही है बहुत बड़ी साजिश। समाजवादी पार्टी चली जाएगी गर्त में या फिर हो जाएगा शिवपाल यादव का कब्जा। अमित शाह के इशारे पर शिवपाल यादव ने बनाया ऐसा रणनीति, 2024 के बाद खत्म हो जाएगी सपा और अखिलेश यादव का अस्तित्व। जी हाँ, आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल एक नेता ने नाम ना बताने की शर्त पर एक बहुत बड़ा सियासी बयान दे दिया है। आज जेटी न्यूज आपको वो सच्चाई बताएगा जो 2024 के लिए एक नया राजनीतिक बिसात सजाई जा रही है। नेता ने कहा कि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव काफी मान मनोबल के बाद अखिलेश और डिम्पल यादव द्वारा पैर छूकर माफी मांगने के बाद समाजवादी पार्टी खेमे में आ गए थे। मेरी जानकारी के अनुसार शिवपाल यादव एक कदम पीछे जरूर हटे, मगर एक रणनीति के अनुसार। यहाँ ये भी कहा जाता है कि अमित शाह के इशारे पर शिवपाल ने ऐसा किया। कहानी शुरू होती है 2012 में, जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अपने चाचा राम गोपाल के साथ मिलकर अपने पिता मुलायम सिंह यादव के खिलाफ षड्यंत्र रचकर मुख्यमंत्री बन गए और शिवपाल यादव के सपने को चकनाचूर कर दिए। शिवपाल सोच रहे थे कि या तो मुख्यमंत्री वो बनेंगे या तो मुलायम सिंह, जो भी होगा चलेगा उनकी ही। पर अखिलेश यादव बन गए और चाचा शिवपाल यादव सहित मुलायम सिंह के करीबी अमर सिंह सहित अन्य को अपने दूसरे चाचा राम गोपाल के साथ लगातार अपमानित करते रहे और चाचा शिवपाल के साथ रार इतनी बढ़ गई कि उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया, फिर पार्टी से ही निकाल दिया। हद तो तब हो गई जब सार्वजनिक मंच पर अखिलेश ने अपने पिता को सार्वजनिक रूप से बेइज्जती किया, तब बताते हैं। इससे अपने भाई को बहुत प्रेम करने वाले शिवपाल को बहुत बड़ा धक्का लगा और उन्होंने अखिलेश को राजनीतिक रूप से बर्बाद करने की कसम खाई। उसी का परिणाम है कि बसपा से गठबंधन करने और डिम्पल से मायावती के पैर छुआने, जबकि उसी मंच पर मायावती के भतीजे ने मुलायम के पैर नहीं छुए के बाद भी डिम्पल कन्नौज से चुनाव हार गई। नेता ने कहा कि अब आने वाले 2024 के चुनाव में अखिलेश को कन्नौज से लड़ाकर उनकी बलि देने का पूरा षड्यंत्र रच लिया गया है। पहले तो अखिलेश यादव का ताकतवर नेता सुब्रत पाठक से कन्नौज से हारना तय होगा, क्योंकि मोदी लहर अभी भी कम नहीं हुई है। साथ में उत्तर प्रदेश में मोदी के साथ योगी लहर भी तेजी से चलने लगी है और अखिलेश जैसे अहंकारी और जनता के कटे नेता को ऐसे में सुब्रत जैसे जनप्रिय नेता से पार पाना मुमकिन नहीं। साथ ही कन्नौज में अखिलेश यादव के बुरी तरह फंस जाने से और उत्तर प्रदेश में सपा की हार भी तय है, हारने पर अखिलेश का राजनीतिक कैरियर खत्म भी हो जाएगा और यदि धोखे से अखिलेश यादव जीत भी जाते हैं तो नेता विपक्ष चाचा ही होंगे। तब स्वाभाविक है कि अखिलेश के अन्य विधायक भी पूरी तरह से चाचा के साथ होंगे और भाई धर्मेंद्र से पहले अखिलेश को पसंद नहीं करते। कारण उनकी अपनी छोटी सीट पर चुनाव तो धर्मेंद्र को लड़ाया किंतु एक दिन भी प्रचार करने नहीं गए। तेज प्रताप यादव के टिकट काट दिए गए और पत्नी को दे दिए गए, जिसके लिए गली गली जाकर वोट मांगे। कुल मिलाकर चाचा शिवपाल का कब्जा सपा पर आने वाले दिनों में होना तय है। वैसे इस खास विषय पर आपका क्या सोचना है हमें कॉमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बने रहे जेटी न्यूज के साथ।